सिविक्स और उसका भेजना, भेज दूंगा। ओके देखिए वीडियो बनने लगा बाद में, वो बताया जाएगा पीरियाडिक स्कूल में होगा कहाँ होगा बताया जाएगा, क्योंकि प्री बोर्ड, प्री बोर्ड भी उसी डेट, हेलो उसी डेट से प्री बोर्ड भी है 10-12 का, तो उनका स्कूल में होगा तो 9th वालों का भी लिया जाएगा, अभी क्लियर नहीं है बाकी और तो उसके लिए जैसे पहले से था एप्लीकेशन वगैरह। वो अच्छी बात है फुर्सत मिले। ओके तो हेलो बेटा बेल के बाद पूछना, अब टाइम वैसे ही 10 मिनट बिता दिया थे तो आप लोग भी जुड़ जाइए सब लोग, और वीडियो को अच्छे से वाच कीजिए, जो वीडियो कल मैंने भेजा था अभी सब लोगों ने उसको देखा नहीं, वाच करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जितना देर आप वाच करेंगे उसको तो थोड़ा उसके आवर भी टाइम बढ़ेगा, तभी तो कुछ चैनल से मुझको प्रॉफिट आएगा। 400 घंटा बनवा दीजिए सब लोग मिल करके, 400 4000 घंटा, पुनीत सर कह रहे थे 450 घंटा। अच्छा ओके आपका सुन लीजिए, पीरियाडिक थर्ड पेपर बन चुका है, जितने प्रैक्टिस सेट जिस जिस चैप्टर को आना उसके प्रैक्टिस सेट जो भेज रहे उसी में से आएगा, तैयार करिएगा। ओके बेटा हम लोग कहाँ पे थे, हेलो पावर आप प्राइम मिनिस्टर हो गया था नहीं, प्रेसिडेंट से नहीं, सही बताओ पावर आप, या बहुत मार मार गए, अलग करो दोनों अलग बैठो पहले, चलो टिक बोलते टिक कर दिया करो। ओके आज का पॉइंट हमारा पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन कैसे काम होता है लेजिस्लेटिव या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में। ओके लास्ट बेंच या कोई भी, अब बात नहीं, अब ओनली कंसंट्रेट होकर के अच्छे समझिए, क्योंकि वीडियो बन रहा था पब्लिक होता है, केवल आपके ही क्लास के लिए नहीं बना रहा हूं, सबके लिए बना, तो जो भी देखे सेवा भाव से जनहित, जनहित में। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट लिसन, आप ये वीडियो दूसरे पर भी शेयर कर सकते हैं जिससे लोग देखें और वाच करें, लेकिन स्टूडेंट के, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्या है, कल हम लोग पढ़ रहे थे इंस्टीट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट मिनिस्टर, और सबसे ज्यादा पावर हाउस की बात कर रहे थे, लोअर हाउस या अपर हाउस किसको पावर है, एक्सरसाइजेस कौन। तो आज क्या है कि हमारे संविधान में प्राइम मिनिस्टर के पावर के बारे में बहुत डिस्कशन नहीं किया गया है, समझ में आ रहा है ना। मिनिस्टर्स और द मिनिस्टर्स और दियर रिलेशनशिप, प्राइम मिनिस्टर उसके मिनिस्टर्स और द रिलेशनशिप विद ईच अदर, एक दूसरे से जो रिलेशंस है संबंध है, बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कौन होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक तरह से, प्राइम मिनिस्टर्स, द प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर। वाइड रेंजिंग पावर मतलब हर दिशा में उसके अधिकार है, हर चीज में भाई मेन डिसीजन लेने का पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, चेयर्स मतलब हेड, कैबिनेट मीटिंग का हेड कौन होता है, मीटिंग जो प्रेसिडाइड करता है उसका अध्यक्ष एक तरह से प्राइम मिनिस्टर होता है, मोदी जो भी, ये तो कोई परमानेंट तो नहीं बोला हमने ना कि परमानेंट पोस्ट है ये, या बदल सकता है, आज ये है कल वो है, कोई भी बन सकता है ऐसा नहीं है, अभी 24 तक तो उसी को बनाओ, 24 के आगे तक। राज्यपाल स्टेट में होते हो गवर्नर, जैसे प्रेसिडेंट आनंदीबेन पटेल चीफ एक्स फॉर्मर सीएम ऑफ गुजरात एंड फॉर्मर गवर्नर मध्य प्रदेश, इसके पहले एमपी
और जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो वहां से इस्तीफा दिया गुजरात से, तो आनंदीबेन पटेल बनी। कुछ बातें हम बोल जाते हैं सब लोग सुनते नहीं, यही गड़ बात मत किया करो, जब कोई चीज समझाई जाए उस समय बिल्कुल नहीं, आप सुनिए क्या बोला गया तब आपके बात में वो समझ में आएगा, क्योंकि उस टाइम आप बात करेंगे तो फिर क्या तब आप पूछोगे सर ये कैसे हुआ, तो वो समस्या नहीं आए कि ये कैसे हुआ, आप बैठे हो जो ना देख रहा वो पूछे। तो चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग जो डिपार्टमेंट बने, अलग अलग मंत्रालय बने हैं उसके कार्यों को कोऑर्डिनेट करता है, समन्वय, एंड ही एक्सरसाइजेस जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स, अलग अलग मंत्रालयों के कार्यों को सुपरवाइज करना, क्या करना सुपरवाइज करना मतलब उसको देख रेख करना, नजर रखना उस पर, चेक करना। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, द प्राइम मिनिस्टर्स रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क ऑफ द मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सी क्या करता है, काम का बंटवारा करता है मंत्रियों के। ही आल्सो हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स, अंडरलाइन करते रहिए, पावर है ये, एक एक पॉइंट आपका आंसर बन सकता है, लॉन्ग आंसर, राइट द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, क्या पावर है, तो कोई वैसा पावर नहीं है लेकिन इस तरह के पावर उसके पास है, किसी भी मिनिस्टर को उससे इस्तीफा ले सकता है, दूसरे को बना सकता है। हाँ, क्विट द एंटायर मिनिस्ट्री, क्विट मतलब जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो पूरा मंत्री, उसके कैबिनेट और से लेकर जितने उसके सरकार मंत्री जो है इस्तीफा देने पर। हेलो, कोई कुछ पूछ रहा है? ओके, कोई बात भाई, जुड़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग बहुत इस समय लूज हो चुके हो क्लास 9, अभी देख लेंगे कौन कौन है 10 इफ द, नहीं और लोग थे बीच बीच में कट गए थे। इफ द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, क्वेश्चन मार्क है, नहीं इफ है, इज नहीं है, मतलब यदि कह रहा है कि कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, भारत में सबसे शक्तिशाली संस्था है कैबिनेट, मतलब जो पार्लियामेंट की बात हो रही है, असेंबली स्टेट की बात हो रही है, विद इन द कैबिनेट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज द मोस्ट पावरफुल, तो इस तरह से कैबिनेट के साथ प्राइम मिनिस्टर भी जो सबसे शक्तिशाली है। द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड हैव इंक्रीज्ड सो मच इन रिसेंट डिकेड्स that the parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of, तो कह रहा है कि जो parliamentary democracies world में है उसमें तो power prime minister के होते, लेकिन ये decade मतलब एक दो दशक से इनके power और भी बढ़ गए हैं, और उसको हम एक नया नाम दे सकते हैं, parliamentary democracy की जगह पे prime ministerial democracy, underline नहीं किया, असलेशा बैठी रहती हूँ, बहुत मारेंगे, बुक नहीं लाई तो एक बुक है उसमें भी अंडरलाइन करते रहे, बुक में आप अंडरलाइन करते रहिए मेन मेन पॉइंट्स, आपको क्वेश्चन लर्न करने में इजी होगा, क्वेश्चन के आंसर बनाने में इजी होगा, बुक नहीं लाए ना? हाँ, तुम अब वही चीज तो है, पनिशमेंट के आदि ना बनो, उसको वर्क में लाइए, प्रयोग में लाइए, फॉलो करिए, सीखिए, अब ये नहीं रोहित सर ने बनाया अब हम भी बना दे और फिर कल ऐसे बनो तो क्या फायदा हुआ, आज भूल गए तो कल उसको लाइए। आगे देखिए, लिसन, वर्ल्ड हैव इंक्रीज, ध्यान दीजिए, प्राय प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर इन पॉलिटिक्स हैव कम टू प्ले अ मेजर रोल इन पॉलिटिक्स, क्या करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, हैव कम टू रोल अ मेजर रोल इन अ पॉलिटिक्स, जो राजनीतिक पार्टियां हैं
राजनीति में क्या करती है, मेजर रोल अदा करती हैं, बड़ी सहभागिता है उनका। इतनी ठंडी ना लगे जेब में हाथ डाल के बैठे रहो, पॉइंट पे रखिए, अभी इतनी ठंडी नहीं हो रही, बाद में क्या करो, इस बार तो ठंडी पड़ने वाली है, नीनो प्रभाव आने वाला है। अरे नीनो या ऐसे कोई नाम है, क्लियर नहीं, भूल रहे ना। आगे द मीडिया, लिसन, द मीडिया आल्सो कंट्रीब्यूट्स दिस। अच्छा, द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी, पार्टी के थ्रू जो है प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करता है पार्लियामेंट को, मेंबर को, और मीडिया भी कंट्रीब्यूट दिस ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन एज अ कंपटीशन बिटवीन द लीडर्स ऑफ पार्टी। और मीडिया भी एक मेजर रोल अदा करती है, क्या करती है, वो कंपटीशन को बढ़ा देती है एक दूसरे पार्टी के बीच में, क्योंकि हाँ पार्टी के विचारों को मीडिया रखती है, दूसरे पार्टी के विचारों को रखती है, इतना कंपटीशन हो जाता है, डिबेट कराती है। नेक्स्ट है बिटवीन द टॉप लीडर्स ऑफ पार्टीज इन इंडिया टू, वी हैव सीन सच अ टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब नेचर, प्रवृत्ति, इन द हैंड टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन द हैंड्स ऑफ। इंडिया में भी ये देखा गया है कि सत्ता केंद्रित किसके हाथ में होती है, प्राइम मिनिस्टर्स के। हेलो, क्या देख रहे हो नीचे, एक झापड़ मारूंगा इसलिए पीछे जाके बैठते हो, ये मत सोचिए कि हमारी नजरें नहीं रहेंगी आप पे, चाहे जो करो, यहां पढ़ाया जा रहा है, सीट खाली रहती पीछे, बार बार, एक बार नहीं कई बार बोल दिया गया, आप उतनी देर पढ़िए अच्छे से, बुक निकाल लीजिए, समझिए, जूता और वो देख रहे हो। आगे जवाहरलाल नेहरू, लिसन केयरफुली, अभी बात हो रही है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पावर में। जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्सरसाइज एनॉर्मस अथॉरिटी बिकॉज ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक, एनॉर्मस मतलब लार्ज, विस्तृत, हाँ यूज, क्योंकि पब्लिक चाहती थी उन्हें, उस समय फेमस लीडर थे, पब्लिक का सपोर्ट था। इंदिरा गांधी वाज आल्सो अ वेरी पावरफुल लीडर कंपेयर टू हर कॉलेजियस इन द कैबिनेट, अपनी कैबिनेट में इंदिरा गांधी का भी पावरफुल पावर था, उनका भी, उनके आगे अदर मंत्री जो थे उनसे सीनियर सीनियर लीडर जो है अप्रभावी थे। ऐसे ही आज मोदी जी भी प्रभावी हैं अपने कैबिनेट में, एक चेहरा के रूप में उन्हीं का लेकर के पार्टी आगे बढ़ती है ना। तो ऐसे होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव दो चीज होती है, एक अप्रभावी और एक प्रभावी। तो आगे देखिए, कॉलेजियस मतलब अपने सह, समझे ना, जैसे कहते हैं ना कॉलेजिया, सह पार्टी, सह सहपाठी, तो ऐसे ही अपने साथ के मंत्रियों, जबकि उनसे सीनियर लीडर्स थे वहां पे, मिनिस्टर्स भी अदर, लेकिन पावर था इंदिरा गांधी, वर्चस्व बनाई थी अपना, लोग इंदिरा इंदिरा करते थे जैसे। ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर वाइडली बाय अ प्राइम मिनिस्टर आल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग द पोजीशन, किस पर डिपेंड करता है, पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन, व्यक्ति के व्यक्तिगत पर्सनालिटी पर, व्यक्तित्व पर, जैसे मोदी जी। मैं क्या जवाहर अच्छे लगते, इंदिरा अच्छा लगते, बात जो हो रही मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ हम पॉलिटिकल उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये जो ट्रेंड है बुक के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ आपसे। एग्जाम्पल, आज का एग्जाम्पल क्या, आज आप किसका एग्जाम्पल देंगे, इंदिरा का, जवाहर का, एट अ प्रेजेंट करंट की बात हो रही है अगर, तो करंट में कौन प्रभावी नेता है भाई, सेंट्रल लेवल पर और कोई दिखता आपको,
ये आगे देखिए, हेलो बीजेपी में ही, अभी दूसरा नहीं है, अमित शाह हो चाहे राजनाथ सिंह हो चाहे कोई भी हो। ओके लिसन लिसन, हेलो लाल बहादुर शास्त्री थे इंदिरा से पहले, लेकिन देखिए उनको ताज समझौता में क्या हुआ, जहर दे दिया गया, क्या दे दिया, आज भी रहस्य बना हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री जी 1965 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो समझौता के लिए ताशकंद वहां रसिया बुलाया गया, सब कुछ सही हुआ, समझौता हो गया, रात में उनको खाना खाए, उसके बाद घर गए अपने कमरे में गए। फिर तो वही चीज है ना, और उसका आज तक ये भी एक रहस्य बना कि पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। क्यों नहीं पोस्टमार्टम हुआ, क्या बात है? तमाम लोगों ने शंका किया कि इंदिरा ने मरवा दिया, ये कर दिया गद्दी के लिए, चूंकि लाल बहादुर शास्त्री के रहते इंदिरा को पद नहीं मिलने वाला था, क्योंकि उस समय प्रभावी लीडर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो चलिए आगे आप देखिए, हेलो भाई हाउ एवर, अगले पैराग्राफ पे, इन रिसेंट ईयर द राइज ऑफ कोलिएशन, आज किसका दौर चल रहा है, कोलिएशन गवर्नमेंट, 1990 के बाद से कोलिएशन गवर्नमेंट की दौर चला, और आज भी देखिए बड़ा बड़ा गठबंधन बना हुआ, यूपीए, यूपीए क्या है, यूनाइटेड कांग्रेस का गठबंधन है, यूनाइटेड और पी से पब्लिक नहीं, अभी बताया था क्लास में, भूल गए, इतना गलती। एनडीए क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और यूपीए जो है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये कांग्रेस जनित कांग्रेस और उनके साथ के पार्टी, और एक और बना था लेफ्ट बाम मोर्चा, तीसरा मोर्चा, एक बार तीसरे मोर्चे की सरकार भी बनी थी जब इंद्र कुमार गुजराल और एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे करम से, और मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बने, और लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने, ऐसे तमाम अलग अलग लोग बने। चलिए आगे, हेलो पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ ए कोलिएशन गवर्नमेंट, मतलब एक गठबंधन वाली सरकार का प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, वो बहुत ज्यादा उस तरह का पावर नहीं दिखा सकता है, क्योंकि उसके अपने दम पर उसकी सरकार नहीं बनी है, जब कई लोगों को लेके बनी होगी तो आपको आपको भी देखना पड़ेगा, आपको भी, आपको कहीं वो ना नाराज हो जाए, अपने को लेकर के अलग हो जाए, सरकार गिर जाए, तो सरकार चलाने के लिए सबके बातों को देखना पड़ता है। चलिए आगे, कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स, अपने मन से निर्णय नहीं ले सकता, ही हैज टू एकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप, एकोमोडेट मतलब होता है टू मेक अ प्लेस, एक तरह से रूम देना, स्थान, समझे ना, एकोमोडेशन कहते हैं ना हमारे घर में, सो एकोमोडेशन मतलब प्लेस है, जगह है, सुख सुविधा जिसको कह सकते हो, ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड फैक्शन इन हिज पार्टी एज वेल एज अमंग द अलायंस पार्टनर्स, ही also has to heed to the views and position of the coalition partners and other parties, kya karta hai wo, heed the views, views matlab drishtikon, vicharon ko, heed matlab chhipana, ek tarah se coalition parties aur other partners on whose support the survival of the government depends, matlab jiske support par sarkar run kar rahi hai, भाई सपोर्ट दैट। अब जैसे मान लीजिए अभी बिहार की आप एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, बिहार में एनडीए गवर्नमेंट बनी जिसमें सबसे बड़ी पार्टी उस एनडीए गवर्नमेंट बीजेपी है, 40 विधायक जो है लेके सीएम बने हैं नीतीश कुमार, और उसमें एक दो दो विधायक लेके जीतन राम मांझी लोग, वो भी चूंकि पार्टी के अलायंस के मेंबर हैं इसलिए उनको छोड़ा नहीं गया,
और एक एक विधायक का वहां कीमत है, चूंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तेजस्वी और इनके मतलब महागठबंधन जो राष्ट्रीय जनता दल और अदर और कांग्रेस का बना था, पांच सीट तो केवल कम थे, चार सीट, और सबसे बड़ी पार्टी तो वहां पे आरजेडी 71 सीट 72 सीट जो भी है 73। तो अब वहां पे नीतीश कुमार मनमानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी चुनाव से पहले लोग घोषणा कर दिए थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, नहीं तो आज वो बना देते अपना। अब दोनों की मजबूरी है वहां पे, नीतीश जैसे पहले बोलते थे इसकी पिछले सरकार में, अब उस तरह से नहीं बोलेंगे। अभी देखिए उस वाले सरकार जब बनी थी, इसके पहले तो लोग जनता दल और इनसे गठबंधन था नीतीश का ना, लेकिन तोड़ के बीजेपी के समर्थन सरकार बनाए। और केंद्र में देखिए मंत्री पद जब सही से नहीं मिला तो उन्होंने कहा ठीक है हम कोई मंत्री पद नहीं लेंगे, हम केवल समर्थन देंगे। समझ आ रहा ना? तो ये चीजें होती हैं। तो हर कोई एक दूसरा जो है उसका विरोध नहीं कर सकता। आगे देखिए, अब आ जाइए द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उसका पावर क्या है। While the Prime Minister is the head of the government, देखिए ऐसे शांत रहिए, बीच में बोलोगे तो आवाज आती रहती है, और सुनिए समझिए। While the Prime Minister is the head of the government, the President is head of the state. अगर Prime Minister सरकार का head होता है तो President पूरे देश का head होता है। State का मतलब राज्य नहीं, एक राज्य। In our political system, the head of the state exercises only nominal power. हमारे देश में स्टेट एक्सरसाइजर हेड केवल नाम का है, और वो कौन है? नाम का, बाकी तो सब करने वाला कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन। हमारे यहाँ राष्ट्रपति किसकी तरह होता है? ब्रिटेन की रानी, जैसे वहां पे विक्टोरिया एलिजाबेथ सरकार, वहां पे प्राइम मिनिस्टर वर्क करते हैं, लेकिन रानी बिना उनके सिग्नेचर का। तो ऐसे ही टू लार्ज एक्सटेंट द सेरिमोनियल, केवल सेरिमनी के रूप में एक तरह से हम कह सकते हैं। द प्रेसिडेंट सुपरवाइज ऑल द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मोनी टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। तो आप आज इतना ही अंडरलाइन कर लीजिएगा, आज की टॉपिक इतना ही, अच्छे से समझिए, पढ़िए, वाच करिएगा, और कंप्लीट करते रहिए नोट्स, और अपने प्री बोर्ड की तैयारी करते रहिए। सब लोग प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लीजिए, सिविक्स इकोनॉमिक्स का नहीं भेजा गया प्रैक्टिस पेपर, एक दो दिन में भेज देंगे।